जी पंडित जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफरतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया ये उसकी बात नहीं है, ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हो, कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफर किए अंडर ट्रायल्स, बेचारे गरीब हैं उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे उनको, वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज रोज मुलाजमों को बरतरफ करना, तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे, मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। बीजेपी के ये जो नफरत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये, और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और नफरत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल मैं वो कहना चाहती हूँ कि जो शुएब गनाई है उससे पहले पांडुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए, अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते, उनको पता है हम बात करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको पीएसए लगा के जेल में डाल देंगे, अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया उससे पहले पांडुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो तर्कवांगाम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आते हैं जो एलिगेशन हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।